हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रुपेश कुमार यादव और ये रहा, मैंने आज अपना खत्म किया है, अपना ईजी का जो वाइवा है मैंने आज सबमिशन करवा लिया है। आप देख सकते हैं मेरा नाम, ये मेरा रोल नंबर है, मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ता हूँ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, और आज मैं अभी जस्ट साइन करवा के आया हूँ। आप देख लो मेरा पूरा क्या है। देखिए, फर्स्ट में आता है हमारा टाइप्स ऑफ लाइन, जिसमें हमको लाइन दी होती है वो कितने प्रकार की होती है वो हमको दिखाना पड़ता है। और हम पेज पलटते हैं, पेज प्लॉट में हम क्या देखते हैं, लोसायो पॉइंट। सबसे बेकार सब्जेक्ट, सबसे बेकार पॉइंट है ये लोसायो पॉइंट, जिसमें हमको करना होता है एक्सपांड सर्कल को, ऐसे यू 120 एंगल से ऐसे यू घुमाना होता है। आप देख ही सकते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। और आगे दूसरा नंबर की सीट है इंजीनियरिंग कर्व, जिसमें इसने किया है जो हमको पेंटागन में जो ड्रॉ करना होता है, उसने टेंजेंट निकाला ऐसे ऐसे यू यू करके, ऐसे यू यू करना होता है, देख सकते हो आप लोग। और तीसरे नंबर का पेज आता है, हम देखते हैं प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट एंड प्लान, जिसमें हमको दिया होता है एक प्रोजेक्ट करना होता है, जिसको हमको 3D में होता है, उसको हमको 2D में कैसे कितना एंगल में होगा वो ऐसे ये सब ड्रॉ करना होता है, ये आप देख सकते हो। फिर आता है दूसरा, जिसमें प्रोजेक्शन ऑफ प्लान होता है, जिसमें हमको एक ऑब्जेक्ट दिया होता है जिसको हमको एंगल में ऐसे यू इंक्लाइन करना होता है, इंक्लाइन के बाद हमको कैसा दिखेगा टॉप व्यू में वो हमको दिखाना होता है, देख सकते हो ये 2D में है। फिर ये है ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन, सबसे मतलब बेकार बेकार टॉपिक है ये ऑर्थोग्राफी, जिसमें हमको क्या होता है, इसमें 3D में एक हमको ऑब्जेक्ट दिया होता है, हमको उसमें 2D में ड्रॉ करना है। 2D में ड्रॉ तो करो, सामने से ड्रॉ करो, ऊपर से ड्रॉ करो, दाएं से ड्रॉ करो, बाएं से, ये क्या हो रहा है इंजीनियरिंग में, ये सब निकालो इंजीनियरिंग में। ये वीडियो सबको भेजना, शेयर करना। आगे देखिए, ये है प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में ऐसा होता है कि हमको एक मतलब हमको दो ऐसे होते हैं, जिसका सरफेस होता है वो पेंटागन में होता है, ऊपर कौन टाइप होता है उसको हमको टेढ़ा करना है, 20 एंगल में टेढ़ा करना है, फिर ऊपर से देखना है, नीचे से देखना है, ऐसे यू यू करके ड्रॉ करना होता है। फिर आगे देखिए, डेवलपमेंट ऑफ सरफेस, जिसमें होता है ऐसा है कि मतलब जो हमको ऑब्जेक्ट दिया है, जो हमको सॉलिड दिया है कौन, उसको काट देना है, काटने के बाद उसको पूरा खोल देना है, खोलने के बाद कैसा दिखेगा ये हमको ऐसे ड्रॉ करना होता है। आप देख सकते हैं ये सब हमने ड्रॉ किया है। फिर आखिर में आता है हमारा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, जिसमें आता है ऐसे तीन हमको जो ऑर्थोग्राफी का बिल्कुल अपोजिट है आइसोमेट्रिक, जिसमें हमको 2D में दिया होता है हमको 3D में ड्रॉ करना होता है, लेकिन आता नहीं, क्या करें, हम बना देते हैं। थैंक यू वीडियो आप देख रहे हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सबको।